बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी का शेक। आजकल स्ट्रॉबेरी बाज़ार में बहुत आई हुई है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं वो आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से, ये बंच में भी आती है, डिब्बों में भी आती है। ये मैंने इस तरह से लिए, ये लोकल यहीं की स्ट्रॉबेरी है। इसमें मैं डालूंगी शक्कर, दूध, बादाम और गार्निशिंग के लिए बादाम। चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसके ये सब निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। स्ट्रॉबेरी डाल दी है मैंने इसमें, इसको अच्छी तरह से इसके पत्ते और उसके डंडियाँ साफ़ करके अब मैं इसमें डालूँगी दूध। इतना डालूँगी कि बस इसमें ये पिस जाए। बस इतनी बादामें डालूंगी मैं, आपकी मर्ज़ी, आप डालें नहीं डालें, काजू डालें, बादाम डालें, पिस्ता डालें, जो भी डालें। शक्कर डालूंगी क्योंकि हल्की सी ये खट्टी होती है, तो शक्कर थोड़ा ज़्यादा डालूंगी मैं। 3 बड़े चमचे मैंने शक्कर डाली है, सर्विंग स्पून जो होता है उससे। अब मैं इसको बंद करके और तकरीबन हो चुकी है ये, थोड़ा और चला दें। बस शक्कर भी इसी में घुल जाती है। ये हमारा हो चुका है, आप चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, इसको ऐसे ही रखा है मैंने। बाकी बचा हुआ मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी सी हम इसमें कटी हुई बादाम डाल देते हैं। अंदर भी हमने इसमें डाल के इसको पीसा है। गार्निशिंग में ये लगा देते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शेक हमारा तैयार है। इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी, मिल्क, शुगर और बादाम है, और कुछ भी नहीं है। इस तरह से बनाइए, पीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।